गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि आदि गोवा जाने वाला है, तो उसकी हम कुछ शॉपिंग करेंगे। उसको एक बैग वगैरह चाहिए, तो क्या क्या होगा, क्या क्या लेने वाले हैं, क्या आने वाला है इस व्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। ये पार्किंग मिल गई है P1 है, और देखिए सामने कितना बढ़िया कोर्ट लगा है। पुश योरसेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। सुपर कोर्ट। पैसे बंद नहीं करते हैं। ये तो साफ बिल्कुल है। आज पार्किंग जो है थोड़ा हमारा दूर लग गई है। हम लोग दूसरी जगह से एंट्री कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अंदर वाली एंट्री नहीं लग रही है। ये कितने का होगा? ओके वाला पता। इंडिया की न्यू जर्सी आ गई। आ गए हम लोग डिकैथलॉन में आदि के लिए शॉपिंग करने के लिए। क्या क्या कलर आ गए, एकदम मस्त लगते हैं। ऐसा करता है कि लेने का दिल कर दे, लेकिन हम ले नहीं रहे फिलहाल इसको। CA सेक्शन में है आदि का बैग। किधर है? ब्लैक कलर ही पूरा ना उसमें। चलिए हम लोग निकल रहे हैं अभी मॉल से। अभी देखते हैं प्रेमो की एक चेन भी लेनी है हम लोगों की। चेन गायब हो गई उसकी, पता नहीं कहाँ, घर पे ही है, कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रही है। मैंने ही रखी लेकिन दिख नहीं। बिना रख के एकदम भूल गई कि कहाँ रखी है। तो उसके गले के लिए भी चेन चाहिए। सफाई करके देखो कहाँ मिलेगा। सफाई कर ली लेकिन फिर भी इतनी कहाँ गिरी हुई है, कौन से कोने में जो की दिख नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं उसी साइड, उधर बहुत सारी पेट शॉप्स हैं और क्रेव ट्रक्स भी। लेट्स सी अगर बारिश ना हो रही हो। हम लोग आ गए हैं क्रेव ट्रक। जिन्होंने पहले नहीं देखा होगा इस व्लॉग में देख लेना, ये हम सेकंड टाइम आए हैं यहाँ पे। तो आए हमने कहा थोड़ा चाय वाय पी के निकलते हैं। गाड़ी कितनी गंदी हो गई देख बारिश से। ये है क्रेव ट्रक। यहाँ पे ट्रक कॉन्सेप्ट है, ट्रक में फूड मिलता है यहाँ पे। पेट फ्रेंडली है भाई। तो ये है आपका पूरा ट्रक ईट खाने के लिए। कारवन ट्रक है पूरे के पूरे। यहाँ पे कहीं पर भी जाके बैठ जाओ। लास्ट टाइम भी आया था मैं यहाँ पे। तो टीना के साथ मेरी ये डेटिंग हो जाती है, थर्ड डेटिंग है टीना के साथ में। अच्छे का देखो एकदम क्या मस्त दिख रहा है, बादल वगैरह। म्यूजिक भी चल रहा है, पता नहीं क्यों इसका कॉपीराइट ना है, इसके लिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। लोग फूडी हैं तो उस हिसाब से हम फूड एक्सप्लोर करते रहते हैं कहाँ पे क्या क्या है। आज भी हमने थोड़ा नया ही फूड एक्सप्लोर किया। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मैं फूड ब्लॉगर ना बन जाऊँ, है टी नहीं, फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त, बढ़िया, कूल पे भी बैठ सकते हैं हम लोग, अंदर भी बैठ सकते हैं। ये है मेरा मैंगो शेक और ये टीना का आ गया फ्लाई हाई मोहितो। चिकन टाकोस, ये है हमारा पहाड़ी चिकन। पहाड़ी बोल के था इसके लिए मैंने ले लिया। खाओ टीना, एंजॉय करो। ये चिकन कोरियन मोमोज आ गए, और ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है। नहीं, वो सॉस डाल दिया है, लेकिन पता नहीं, लेट्स सी। हमको उतना लग रहा था कि मिर्च होगी उतनी, बट उतनी ज़्यादा अभी तो लग नहीं रही। नहीं, बाद में होगी तो कह नहीं सकते। चलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे पेट का हमारा जो रैम्बो है उसकी चेन जो है वो मिल जाएगी आगे रास्ते में। यहाँ काफ़ी शॉप्स हैं। उसके बाद सीधे निकलते हैं हम घर। खाना हल्का फुल्का था लेकिन मज़ा आ गया। जब भी हम यहाँ आते हैं, दिस इज़ द सेकंड टाइम, वी रियली एंजॉय।
हटनी मिर्च तो नहीं थी ना, इससे ज्यादा मिर्ची खाई है। हम आ गए हैं डॉग्स वर्ल्ड में, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिल गई लेकिन आए हैं, अभी देखते हैं इसमें मिलती है कि नहीं मिलती हमें टेम्पो की चेन। सर इस डॉग की शॉप में भी मिला नहीं हमको जो चाहिए थी चेन, वो नहीं मिली, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक था, वो भी गोल्ड में था, मजा नहीं आया। रैम्बो देख पहले आदि के लिए हम कह, अब ये हमारा बैग जो है केदारनाथ के लिए भी हो गया एक्चुअली, ये केदारनाथ में इसके म्यूट करना टीवी, केदारनाथ में जब हम ट्रैकिंग करेंगे ट्रैकिंग के लिए भी ये है, ये पहले ब्लॉग वीर के लिए हम ऐसी चप्पल ले आए क्योंकि उसकी टूट जाती है, होपफुली उसको पसंद आएगी, लोफा की चप्पलें हैं। सही है, सही लग रही है, कितने दिन में मतलब टूट जाएंगी हाँ क्या पता, सही लग रही है ना। और ये है केदारनाथ का बैग, ये जाएगा बीर आदि गोवा, यहाँ पे देखो इसमें ये पूरा ये भी लगी हुई है, ये भी है और साइड में बांधने का भी है, ये आदि जो गोवा में यूज़ करेगा उसके साथ साथ जब हम जाएंगे, ये देखो ये भी है गोवा की भी, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। तो ये जो है हम केदारनाथ में भी यूज़ करेंगे, देखो ऐसे ये पहनते हैं। चलिए जब भी बनेगा केदारनाथ का प्रोग्राम बैग तो आगे, तो ये समझ लो कि धीरे धीरे केदारनाथ की शॉपिंग भी शुरू हो रही है हमारी, इसलिए मैंने आदि को बोला ले लेते हैं क्योंकि अपने को भी ज़रूरत पड़ेगी, 50 लीटर का बैग है ये। और फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं अभी आदि की रैम्बो की चेन है ना, रैम्बो तेरी चेन ढूंढ रहे हैं अभी, तो चेन उसकी कहाँ है क्या है मैं कैमरे में चेक कर रहा हूँ, कैमरे में पता चलती है। देखो गाइस ढूंढने वाले को क्या नहीं मिलता है, हमने ढूंढ लिया। अब टीना आप देखी, टीना है अब देख रही है, देखो ये देखो आप देख रही है, रैम्बो की चेन मिल गई, रैम्बो की चेन मिल गई, क्या बात है। मैंने कैमरे में चेक किया कि टीना ने कहाँ रखी चेन, टीना ने जब डॉगी आया हमारा लेने के लिए उसको लेने के लिए, फिर टीना ने आखिरी चेन यहाँ रखी, और यहाँ रखने के बाद गाय भी होगी, अब यहाँ से जो भी है लेकिन यहाँ से गाय मतलब कहाँ होगी। तो फिर उसके बाद आगे का मैंने कैमरा देखा तो उसके गले में चेन ही नहीं थी, मैंने टीना को पूछ रहा हूँ कि सोफे के अंदर सोफे के नीचे कहीं है, बोली नहीं है कुछ नहीं है, मैंने जस्ट फिर यहाँ पे साइड में हाथ डाला, टीना ने वहाँ डाला हाथ, इसमें इस जगह में तूने चेक ही नहीं किया, चेक किया होता तो फिर बात ही क्या थी। जो भी है चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ वहाँ भी चेन नहीं मिली है, यहीं मिल गई चेन, काम हो गया अपना। रैम्बो की चेन फाइनली, ये पकड़ में नहीं आता ना एक्चुअली, ये ऐसे इसके लिए चाहिए, छोड़ो छोड़ो चलो लेट्स गो, ये देखो कमान कमान, ये देखो अब इसके लिए ये चेन भी चाहिए होती है और इसका फैशन भी है ये। चलो चलिए फ्रेंड्स अभी हम देख रहे हैं असुर, बाकी दिन भर के हो चुके हैं काम, कुछ एपिसोड बाकी हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।